दीदी, अरे तू इतनी देर से कहाँ गायब था? दीदी क्या हुआ? दीदी मैं वो, दीदी कोई आपसे मिलने आया है। कौन आया है? मालूम नहीं, लेकिन कह रहे थे मुन्ना एक बार अपनी दीदी को बुला दो, बहुत जरूरी काम है। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया? नहीं, लेकिन कह रहे थे बहुत जरूरी काम है। तो चलो देखें। नहीं दीदी तुम जाओ, मैं खेल रहा था ना तो गिर गया, धूल लग गई, हाथ पो धोकर आता हूँ। विश्वास कीजिए, यहां आकर आपकी सुख शांति को तोड़ने का इरादा नहीं था मेरा। सोमू ने बताया कि आप बहुत बीमार हैं, मन नहीं माना चला आया। यहां आने की गलती मेरी है और मैं वादा करता हूं दोबारा यह गलती नहीं होगी। जाने से पहले एक सवाल का जवाब दीजिएगा। सुना है अपराध कितना भी संगीन क्यों ना हो, सजा पाने से पहले एक बार सफाई पेश करने का मौका दिया जाता है। क्या उस दिन इस काबिल भी नहीं थी? मानती हूं मैं अच्छी नहीं हूं, मुझ में अहंकार है, अभिमान है, लेकिन क्या जरूरी था कि कोई और भी उतना ही निर्मम, उतना ही संगदिल बन जाता? इतनी बड़ी सजा कैसे दे सके आप? नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर मैं इसे क्या कहूं, जबकि लोग आपको तारीफों की माला पहनाते रहे और मैं अजनबी की तरह बाहर खड़ी होकर सिर्फ देखती रही, अंदर जाने का हुक्म भी नहीं मिला। इसे क्या कहूं, आपके आने की सिर्फ खबरें सुनती रही, लेकिन आप आकर भी नहीं आए, ये जानने तक नहीं आए कि हम कैसे हैं, है भी ये नहीं। क्या बताऊं, आना कितना मुश्किल था। एक तरफ आपके साथ हुई नाइंसाफी की शर्म, दूसरी तरफ इंसाफ करने की नाकामयाबी का गम। इतना बोझ लेकर आना कितना मुश्किल था, लेकिन भगवान जानता है कि पिछले एक साल से हर दिन हर पल मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, मेरे सपनों में एक ही प्रतिमा बसी है, वो हो तुम। हाँ मलिका, तुम।